पेड़ा तो भाई साहब ये लाजवाब है और चिड़ाव का पेड़ा है, ये बाहर विदेशों तक भी जाते हैं हमारे। ये है कि अगर एक बार जैसे मान लो अब ये ताजा बन गया, हाँ जी, 20 दिन तक है ना आपको इसको मतलब फ्रीज व्रीज करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी बाहर रख के 20 दिन तक वैसा ही टेस्ट रहता है इसका। 20 दिन तक? हाँ 20 दिन तक। ये अपने चिड़ाव की फेमस मिठाई है, केसर का पेड़ा और सादा पेड़ा और लड्डू चिड़ाव से बन के आती है, मैन्युफैक्चरिंग चिड़ाव की है और चिड़ाव की बहुत ज़्यादा फेमस मिठाई है और हरियाणा में हमारे खूब चलती है और जयपुर में हमारी 4 साल से शॉप है नवीन पेड़ा वाला के नाम से। और कभी आप हरियाणा वालों में ज़्यादा फेमस है लड्डू, लड्डू मीठा बहुत खाते हैं, मीठा हरियाणा में मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसे लड्डू पेड़ा फेमस है वहाँ। टाइमिंग खाने का तो शाम को 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक है, वैसे दुकान अपनी 8 बजे ओपन होती है, रात को 10 बजे क्लोज होती है। और लोकेशन क्या है? लोकेशन है अपनी काना रेस्टोरेंट के पास, विद्या नगर जयपुर, नवीन पेड़े वाला के नाम से शॉप है। अपना नंबर और बता दीजिए। मेरा नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर 7665643000। फ़ोन से हम ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं हम और होम डिलीवरी सुविधा है। हरियाणा में अगर मंगवाना चाहेगा तो हम हरियाणा दिल्ली सब जगह भेजते हैं। ये हमारी चने की दाल है, स्पेशल चने की दाल है। और ये दाल मोठ नमकीन है, दाल मोठ। ये हमारे भुजिया है, भुजिया। ये हमारे मटलू है, क्या चीज़ है भाई साहब? ये पेठा है बोलते हैं इसको, पेठा पैकिंग में आता है। हाँ। और ये हमारे मूंग दाल बेसन की चक्की, दिल को साथ इसको बोलते हैं बेसन। हाँ। बेसन की बर्फियाँ बोल, हाँ, सकते हैं, बेसन की बर्फी बोल सकते हैं। तो ये आप रोज तैयार करते हो? रोज तैयार, चिड़ाव से हो क्या थी? चिड़ाव से डेली चिड़ाव मिठाई की मैन्युफैक्चरिंग चिड़ाव से होती है टोटली अपना। हाँ। ये बेसन गट्टे हैं जिसकी सब्जी तैयार होती है, ये अपन जिसको स्वाली बोलते हैं, मठरी। ठीक है सर। तो ये सब आप नमकीन मट्टी सब तैयार करते हैं? चिड़ाव से मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, अब अपना ही कारखाना है चिड़ाव। ये अपन अचार भी तैयार करते हैं खुद का। अच्छा जी, ये कौन सा अचार है भैया? ये लेसुए का अचार है। लेसुए का? हाँ, ये लेसुए का अचार है। इसमें कैर का अचार है। कैर का ये राजस्थान में ज़्यादा चलते हैं अचार? हाँ, राजस्थान में ज़्यादा चलते हैं। और यहाँ सिकावटी के विद्यालय में सिकावटी के लोग ज़्यादा है, तो सिकावटी के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं कैर का अचार अपने। बिल्कुल बिल्कुल। ये किस चीज़ का भाई सर? ये कैरी का अचार है। कैरी का। तो तीन प्रकार के अचार भी आप खुद बनाते हो? हाँ, खुद बनाते हैं। कैसा लगता है भाई साहब आपको पेड़ा? पेड़ा तो भाई साहब ये लाजवाब है और चिड़ाव का पेड़ा है ये। अच्छा जी, तो ये तो बाहर विदेशों तक भी जाते हैं हमारे। और कोई खास बात बताइए? खास बात तो ये है कि अगर एक बार जैसे मान लो अब ये ताज़ा बन गया, हाँ जी, तो 20 दिन तक है ना आपको इसको मतलब फ्रीज व्रीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी बाहर रख के 20 दिन तक वैसा ही टेस्ट रहता है इसका। 20 दिन तक? हाँ 20 दिन तक। खा के देखो आप।